वो हमसे बहुत बातें सीखता है, मतलब जो उसके चाचा से नहीं, चाची से नहीं, टीचर से नहीं, किसी से नहीं सुनता है वो बैठ सकता है। मतलब लास्ट टाइम एग्जाम्पल दे देगा, अगर आप यहाँ पे थोड़ी लड़ी खड़ी हो जाएगी इतना आप चॉकलेट लेके और सामने से आपका बच्चा दौड़ के आएगा 12:30 बजे से ऊपर वो शायद वो चॉकलेट देने के दूसरे के पास जाएगा भी, लेकिन चॉकलेट लेके तुरंत अपने मम्मी के पास ही आएगा दौड़ के। मतलब गलती से भी वो भूलता नहीं है कि मेरी मम्मी ये नहीं, वो है गलती। फिर वो 1 साल का हो या 2 साल का हो या 3 साल का हो, वो दौड़ के आएगा मम्मी के पास, शायद चॉकलेट लेके बाजू के हाथ में जाएगा, चॉकलेट लेकर लेके जाएगा मम्मी के पास। मतलब हम लोग घर में मेहमान आता है कुछ खाना लेकर खाने को दिखा है तू लेने को जाएगा वो, लेकिन तुरंत वापस जाएगा मम्मी के पास। कभी कभी तो पहले देखता है पापा के पास, मम्मी के पास जाओ ले जाओ लेने जाओ, दीजिए हम लोग बोलते हाँ जा ले जा तो जाके लेता है। इतना हमारा बर्ताव हमारे बच्चे में प्रभाव डालता है। तो ये हमारा बर्ताव कैसा है, सही है गलत है? मैं बोलूँगा सब प्रकार सही है, क्योंकि खुद की गलती किसी दिखती नहीं है, मुझे भी नहीं दिखती है। मैं भी अगर बोलूँगा कि सही है, मैं बोलूँ यस सही है, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम लोग खुद की गलती कभी ढूंढते नहीं है, और कोई दिखाए पे तो हाँ ये कोई शाना आगे दिखा नहीं, वो ह्यूमन नेचर है। कभी कुछ नहीं, मतलब आईने के सामने खड़े रहेंगे तो हम लोग कैसे दिखते हैं ये पहले देखेंगे, मेरे बाल कैसे है, मेरा ड्रेस कैसे है, कभी ये नहीं देखेंगे मेरी सोच कैसी है, कोई दिखता नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कभी खड़े हो आईने के पास, सोचो मेरी सोच कैसी है। 99% पेरेंट्स लोग निगेटिव सोचते हैं, इतना हाँ ये नहीं जमेगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं होगा, ये मैंने कभी किया नहीं है। मतलब लास्ट टाइम फ्रेंड्स आए थे, उनको मैंने बोलने के लिए कहा था सर दुआ में, नहीं नहीं सर मैं कभी अभी तक वहाँ पे नहीं गया हूँ, यहीं से बोलूंगा कुछ। अरे सर लेकिन 2 मिनट के लिए आओ यहाँ पे, नहीं 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 उससे अच्छे मैं आता ही नहीं जाता हूँ मैं इतना। अभी ये अगर उसका बच्चा बैठेगा वहाँ पे बैठ के देखेगा क्या सीखेगा, नहीं वहाँ नहीं जाना है भाई, मेरे डैडी नहीं गए थे, डर रहे वहां जाने के लिए। अभी 30-35 साल का आदमी छोटा भी नहीं है, यहाँ आके 2 मिनट अगर बात की सर मतलब मैं कभी गया नहीं स्टेज पे आज तक, अरे भाई हाँ ठीक है कुछ ऐसा काम किया है जिसके कारण स्टेज पे जावे तू, लेकिन आज अगर स्कूल में जब बुलाया 2 मिनट बैठने के बुलाने के लिए, मतलब बहुत से स्पेशली पापा देखे मैंने, कोई अगर स्कूल में प्रोग्राम जाते नहीं स्कूल में पता नहीं स्टेज पे बुलाएगी तो अभी टेंशन वहां का भी जाने का, वहां भी तो कल हम लोग गए नहीं स्टेज पे, बोलने की बात तो अलग है लेकिन वहां पे जाने में डर, इतने सारे लोग मुझे देखेंगे। तो अगर ये हम लोग करते होंगे तो हमारा बर्ताव हमारे बच्चों में देगा, वो स्टेज पे नहीं आएगा, वो भी डर रहेगा, वो भी पीछे रहेगा, उसको भी डर रहेगा नहीं वहां जाके क्या होगा, यहाँ के कोई शेयर बैठा है खाने के लिए नहीं, लेकिन उसके दिल में बैठ गया नहीं नहीं जाएगा। आप में से कितने पेरेंट्स पे 1 लाख का लोन है, कहावत है मतलब जितना बिछोना है उतना ही पैर फैलाने का, उसके आगे नहीं जाने का। हम लोग बच्चे को वही सिखाते कि देख इतने में रहने का, उसके आगे नहीं जाने का, क्यों कोई पाबंदी है? अगर आपका खर्चा 50,000 रुपया है और आपके आमदनी 40,000 रुपया है तो 10,000 रुपये खर्चा नहीं करोगे, आमदनी नहीं बढ़ाओगे, क्यों नहीं बढ़ाओगे? अगर बढ़ाते तो क्यों नहीं बढ़ाओगे, इसका भी जवाब है क्यों नहीं बढ़ाओगे? भाई मैंने 40 लाख का फ्लैट का लोन है, 10 लाख का कार का लोन है, मतलब मेरा 35,000 रुपये ई एम आई मेरा। अगर मुझे 35,000 रुपये ई एम आई भरना है तो मुझे 1 लाख रुपया कमाना है, वो भी 35,000 ई एम आई देखे बाकी खर्चे की गाड़ी के बिना भूखता नहीं, कोई बीमार नहीं जाए ये गाड़ी में डर लगता है मुझे, रास्ता देखिए इतने बड़े बड़े, अभी एक एक्सीडेंट हो गया आ रहा था मेरे यहाँ से, दो कार दो झगड़ा जो झगड़ा कर रहे थे, दीवा में कार लाने मुझे डर लगता है, बाकी मैं कार ले घूमता हूँ पुणे में जाऊँगा तो। तो अगर मुझे 35,000 रुपये ई एम आई भरना है तो मेरी मुझे आमदनी बढ़ानी पड़ेगी, तो भगवान ने मुझे क्या कमी दी है जिसकी वजह से मैं आमदनी नहीं बढ़ा सकता? दो पैर दो हाथ दो कान ये सब दिए है, कुछ भी कम नहीं दिए, तो मेरी आमदनी में क्यों नहीं बढ़ा सकता?
क्या प्रॉब्लम है? तो हम लोग हमारे बच्चे के दिमाग में यही डालते हैं कि भाई देख इतना है ना, इतने में ही चलाने का। अगर बच्चे ने पूछ लिया ज्यादा क्यों नहीं चलाने का, तो नहीं हमारी इनकम नहीं है। तो इनकम क्यों नहीं है ना? हाँ फिर बढ़ाओ ना, क्योंकि देखो सबको 24 घंटा मिला है। अपन कैसे नहीं ना, इसको 10 घंटा, इसको 15 घंटा, इसको 20 घंटा, सोचो भी दिया है सबको, वही शरीर दिया है, सेम दिया है, कुछ ज्यादा नहीं दिया है। फिर अगर वो आमदनी बढ़ाई तो मैं भी बढ़ा सकता है। बहुत लोग सर नहीं पढ़ाई नहीं किया हम लोगों ने ना, अगर पढ़ाई कर तो पढ़ाता है, कोई जरूरी नहीं है। मैं ऐसे 10 एग्जाम दूंगा कि पढ़ाई बहुत कम है लेकिन आज बहुत बड़ी इनकम ले रहे। ये सब अपनी सोच पर निर्भर करता है। मैं सोच कैसे कर पाऊँ? सोच बदलो अपना भविष्य बदल जाएगा, क्योंकि सोच बदलने के पहले अपनी आदतें बढ़ती है बदलती है। हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग अपनी आदतें बदलने जरूरत तैयार नहीं है। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, नहीं नहीं मेरे को घर का ही खाना चलता है। बहुत से भी लोग बोलते सर नहीं सर मुझे ना वो घर का ही खाना, बाहर खाना नहीं खाना बोलते। अरे भाई क्यों, तू ये क्या करेगा, बिजनेस नहीं करेगा, बिजनेस नहीं जाना पड़ता बार बार, वो जॉब करके शाम को घर पे आ जाएगा बीवी के हाथ का खाना खाने के लिए, मुझे बाहर का खाना नहीं चलता है, पानी मेरे को घर का ही चाहिए, मेरे को मेरे घर में नींद आती है। वो तो सर मुझे ना जगह बदलने नींद नहीं आती है। अरे भाई क्यों, अरे तू अगर मेहनत करेगा तो नींद तेरे को आएगी ना, जगह का कैसा हाल है। तू अगर दिन में कुछ नहीं कर, नींद आएगी नहीं, तेरे घर में नींद नहीं आएगी। लेकिन बोल रहे मेरे को जगह बदलने नींद नहीं आती, वहां मेरा बहुत बेकार क्यों। अगर यही सोच आज के जो बड़े आदमी लगते तो बड़े होते, कोई भी ले लो, स्पोर्ट्स में ले लो या पॉलिटिक्स में ले लो, किसी भी फील्ड में जाओ, किसी बिजनेस में जाओ। अगर सचिन तेंदुलकर बोलता मैं इंडिया छोड़ के बाहर नहीं जाऊंगा, मैं इंग्लैंड जाके मैच नहीं खेलूंगा, तो आज पैसा कमाता? शाहरुख खान दिल्ली से आया यहाँ पे, पता है ना, पैसा भी ऑटो से घूम रहा था। मैं बॉम्बे नहीं जाऊंगा, मैं दिल्ली में ही कुछ करूंगा। तो आज कितना बड़ा स्टार है। अमिताभ बच्चन साहब भी अलावा से आए थे, नहीं आते तो ये जो है ना, ये हमारी सोच है ना, ये हम लोग अपने बच्चों में डालते हैं, उनका भी दिमाग इतना ही पता है। मतलब मैं बहुत से 10वीं के बच्चों से पूछता हूँ सैलरी कितना है, 80% 85%। अरे भाई 100 क्यों नहीं, 100 इतना सर नहीं आएगा, बस खत्म, इतना सर नहीं आएगा। अभी ये कहां से पैदा हुआ, अपने घर में से। लिमिटेड लाइफ जीना है, बस इतना ही जीना है और इतना ही मरना है। तो बच्चा वही लेके चलता है आगे आगे, इसलिए टारगेट भी 90% 85%। क्यों, अभी तो सर आया नहीं मुझे कभी, तो मेरे को ज्यादा नहीं आएगा। ये हमारा बर्ताव जो होता है, जो हम लोग करके आए, ठीक है, हम लोगों ने अभी अपने घर से सीख के आ गए। आप बोले सर हम लोगों के घर में वही था, ठीक है ना, चलो भाई अपना घर नहीं बदल पाए हम लोग, अभी अपना तो नया बन बनाए। पापा की सोच नहीं बदल पाए, ठीक है, मम्मी की नहीं बदल पाए, अपनी तो चेंज कर सकते ना, उनको नहीं किसी ने बताया होगा, या उनके टाइम में कुछ अलग ही रहेगा, उनके मोबाइल नहीं था, उनके टाइम में टीवी नहीं था, लेकिन हमारे जमाने में सब कुछ है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, नए नए बिजनेस के तरीके हैं, उनके टाइम में तरीका नहीं था बिजनेस की, उनके टाइम में साधन इतने साधने नहीं थे घूमने के लिए, अभी ट्रैवल है, बस है, बाइक है, मोटरसाइकिल है, कार्स है, एरोप्लेन है, ट्रेन गाँव है, उनके टाइम में दिक्कतें थी, तो सब सुविधा मिल गई है, फिर भी हम लोग सोच नहीं बदलेंगे तो उनके ऐसे बने रहेंगे, और उनके से बनेंगे और इनको ही बनाएंगे। फिर वही लेके चलेंगे सर 80% आएगा, सर 90 नहीं आएंगे। क्यों सर, वो बस बच्चे मिले सर हमारे घर में ना अभी तक सर 90 लाए नहीं। अरे भाई क्यों नहीं, मेरे पापा को भी नहीं मिले, मेरे मम्मी को भी नहीं मिले, तो मुझे कहां से मिलेंगे? ऐसा जरूरी है? नहीं, ये उसकी सोच बन गई है। अभी आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, आपको बहुत चांस है चेंज करने के लिए। अभी 10वीं वाली माँ बोलेगी ना चेंज नहीं पॉसिबल हुआ इतनी जल्दी, अभी 15 साल तक बन गया, लेकिन आपके भी छोटे हैं नर्सरी में फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो अभी आप बदल सकती है। ऊंची सोच रखो, जब ऊंची सोच रखोगे तो ऊंचा बिहेवियर करोगे, ऊंची बातें करोगे। देखो हर बड़ी चीज मिल जावे जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन हर चीज मिलने की आस रखना कोई बुरी बात है क्या? मुझे प्लेन से घूमना है, नहीं घूम पाऊंगा मैं शायद प्लेन से, लेकिन सोचने क्या प्रॉब्लम है प्लेन से? अगर प्लेन की सोच रखूंगा तो शायद मेरी खुद की कार में घूमूंगा ना, लेकिन जो नहीं यार मैं ट्रेन से घूमना यार, प्लेन भी नहीं, तो ये ट्रेन भी कोई लेगा नहीं मुझे, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है। तो ये सोच खुद से बदलना है, अगर खुद की सोच बदली तो इतनी बदल जाएगी।
बच्चों को होशियार बनने की तालीम वहाँ से शुरू होती है। कोई स्कूल कोई क्लास होशियार नहीं बनाता है, वो आपके घर से आती है। तो होशियार बनने की बात है कि उनकी सोच को कैसे बन गई, उसको भी सोचो बड़ा सोचने के लिए 90% 100% क्यों नहीं ला सकता है, उसके ऊपर जाते वहाँ पे बात कर बोल। क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखे मैंने 95 लेके आते, एक कॉन्फिडेंस कितना, मैं लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिया था, एक कंपनी इंटरव्यू लाए, दो कैंडिडेट आए थे, दोनों का सिलेक्शन हो गया, दोनों का 98%। अभी दोनों में से एक को ही लेना है, तो अभी किसको लेना है, तो वो टेक्निक प्रश्न सवाल पूछते हैं, उनका जवाब देते हैं, अभी प्रॉब्लम अभी क्या करेंगे। इतने में कंपनी डायरेक्टर आते हैं वहाँ पे, जहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है, तीन जन बैठे इंटरव्यू के लिए, सामने दो बैठे, वो डायरेक्टर आके उनको दो सवाल पूछता है, बहुत सिंपल। पहला पूछता है इस बिल्डिंग में आप आए दो फ्लोर करके, इस बिल्डिंग में आप इंटरव्यू दो फ्लोर करके, वो फ्लोर की पाइप जिन्हें कितने हैं, और दूसरा पूछता है आपके परदादा का नाम क्या है, दादाजी दादाजी का। पहला बोलता है सर आई डोंट नो, क्या होता है आई डोंट नो, क्या है पता नहीं। दूसरा होता है सर 222 जीने हैं और मेरे परदादा का नाम है नामदेव महादेव शिवलकर, बहुत बोला इसको सिलेक्ट करो, उसको भेज दो, नहीं बोलो उसको, जिसको लेकर इसे ज्वाइन करते हैं उसका पेमेंट में सब फाइनल हो जाता है, और बोलते हैं कल से आप ज्वाइन कर दो। बाहर निकल जाते हैं वो बैठे हुए जूनियर बॉस से पूछते थे, आपको उसे पता है सही जवाब दिया आपने उसके ले लिया, वो यार जो बिल्डिंग की जिन्हें मैंने गिना अभी तक, तो मुझे कैसे पता सही है गलत है, ये सब कॉन्फिडेंस देखो, उसका कॉन्फिडेंस देखो। वो दोनों जन बाहर जाते हैं तो पहले दूसरे को पूछता है तेरे कैसे पता रहे, तो आते हुए ऑन किया क्या, बोला देखो अभी कंपनी का इतना बड़ा डायरेक्टर है जिसने सवाल पूछा हो, वो क्या जिन्हें से आता होगा क्या, वो लिफ्ट से आता होगा, और कभी गलती से आ भी गया तो क्या काउंट करेगा, गिनती गिनती आएगा सवाल। और जिस परदादा का नाम जो मुझे नहीं पता उनको क्या पता रहेगा, मेरे परदादा का नाम जो मुझे नहीं पता है उनको क्या पता रहेगा, वो क्या घर में आके चेक करेगा क्या इसका नाम महादेव नामदेव शिवलकर जी का, वो देखा कॉन्फिडेंस आंसर देने का, जो वक्त को उसको सुझा हमारे बच्चों में इसकी कमी है, आता सब कुछ टेक्निकल सब आता है 98%, लेकिन लॉजिकली 0, मैं जाओ आपके जॉब मिल गया। तो हमारे को बच्चों को ये देना है, तो ये कहां से देंगे, अपने बर्ताव से, अपने रहन सहन से, अपने बोलने के तरीके से, अपने सोचने के तरीके से। तो पहले खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, मैंने देखा बहुत लोगों को खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है पैंट लोग को, तो पहले खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। अगर क्लास में या स्कूल में आपके लिए कुछ प्रोग्राम रखते हैं तो उसको पार्टिसिपेट करो, मैं नहीं ऐसे बोलेंगे लंबे से, मतलब सर कल ने सर ने प्रोग्राम लग दिया कि पैरेंट्स पे भाषण करेगा 5 मिनट का, कोई भी सब्जेक्ट दे दिया आपका घरेलू सब्जेक्ट, ऐसा कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं कि भाई कहाँ से लेके आऊँ, तो ये मत सोचो कि मैं बोल पाऊंगी कि नहीं, फिर वहाँ जाके लोग हंसेंगे मुझे, वहाँ जाके मुझसे गलती हुई तो क्या, सब बाहर में जाए मैं जाके बोलने वाली हूँ भाई, क्यों मेरा बच्चा मुझे देखने वाला है, अगर मैं आज बोलने गया तो कल मेरा बच्चा उठ के आ सकता है। बच्चे भी चाहते हैं हमारे पेरेंट्स अच्छे हो, वो बोलते हैं मेरी मम्मी डर गई नहीं आई कल, मेरे पापा भी नहीं आए, क्यों। तो अपने स्कूल में अगर कोई प्रोग्राम रखते हो उसको पार्टिसिपेट करो, फिर बोलने का हो लिखने का हो, किसे राइटिंग लिखा है निबंध स्पर्धा है भेजो लिखो, नंबर आवे ना आवे छोड़ दो, ऐसा नहीं कि पार्टिसिपेट लेने के बाद मेरा पहला नंबर आना चाहिए, जरूरी नहीं है, लेकिन आपने पार्टिसिपेट किया, फिर क्वेश्चन देख लिया कि हर स्पर्धा में जाने का नाम हार लेने का, कुछ भी घर घर में स्कूल में प्रोग्राम हो उसमें अपना नाम आना ही चाहिए, जीतने का हारने का बाद में सोचने का, पहला नाम आने का, उससे क्या होता है बच्चे एक्टिव होते हैं हर चीज में, जरूरी नहीं कि हर चीज में जीते हो, हर चीज में पहला आए जरूर नहीं है, कछुआ में पानी में तैरेगा रास्ते में नहीं दौड़ेगा, मछली पानी में तैरेगी पेड़ पे नहीं चढ़ेगी, पेड़ पे पंछी उड़ेंगे वो पानी में जाएंगे, लेकिन हर पार्टिसिपेंट जा रहा है पार्टिसिपेशन ले रहा है, ये बहुत बढ़िया बात है, और हम लोग बच्चों को इसका पीछे रहने का नहीं, फिर कुछ भी हो रनिंग हो भाषण करना हो लिखना हो इस राइटिंग हो कुछ भी हो अपना पार्टिसिपेट, तेरा नाम दिया क्या तुम्हें, पहले पूछने का तेरा नाम दिया तुमने, क्यों नहीं दिया भाई नहीं आता, क्या नहीं आता है चलो मैं ये तैयारी कर लेती हूँ, क्या सब्जेक्ट है सर ये सब्जेक्ट, हाँ चलो ये बात कर, आज दुनिया में सबकी जानकारी मिलती है गूगल पे 1 मिनट में।
एक मोबाइल पर सर्च करते हो, वही जानकारी हमको उसको देना है, भैया ये लिख ले। लेकिन इसके पहले आप लोग को खुद को पार्टिसिपेट लेना है। मैं देखता हूँ बहुत से फ्रेंड पीछे रहते हैं, बहुत पीछे रहते हैं, नहीं नहीं मुझे नहीं, मुझे नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? अब जरूर नहीं कि हर सब्जेक्ट में आपका नंबर ही आवे, लेकिन हर सब्जेक्ट में आप पार्टिसिपेट ले, ये हो सकता है। और जीत गए तो वेरी गुड, बच्चा जितना भी सीख जाएगा, लेकिन जितने से पहले पार्टिसिपेट होना ये सीख जाएगा। और हमको बच्चे कुछ भी पढ़ा लेकिन बहुत से नहीं पीछे रहते, नहीं अपना नाम लिखवाते, जानेगा शायद बच्चे में कभी चांस नहीं मिला होगा स्कूल में, अभी मिल रहा है ना, कुछ भी जानेगा, गलत हो या सही हो, लेकिन अपना पार्टिसिपेशन लेके आने का, बच्चों को भी कॉन्फिडेंस देने का, जाने का, वो भी बच्चों को बोलने जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा नाम दिया करके, ठीक है नहीं? इससे उसके बिहेवियर में कंट्रोल पड़ता है, ये हम लोग को खुद से कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ये पहली बात है, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। हर बार जीतने के लिए मत सिखाओ, ये सिखाओ गिरने के वापिस खड़ा रहने का, असफल हो जाए तो भी वापिस लड़ाई करने का, जीत सकता है, फेल हुए तो वापिस पास होने की तैयारी करने का। हर बार पास होना या हर बार पहले आने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर बार लड़ना जरूरी है, और जो लड़ता है वही जीतता है। लेकिन अगर जीत गया अभी, हार गया अभी नहीं लड़ूंगा, तो कभी नहीं जीतेगा। तालियां बजाने के बच्चे मत तैयार करो, जो बाहर ग्राउंड के बाहर खड़े और तालियां बजा रहे, कोई फायदा नहीं। ऐसे बच्चे तैयार करो जिसके लिए लोग तालियां बजाए, फिर वो फर्स्ट सेकंड आवे ना आवे बात की बात है, उसके लिए तालियां बजाए, उसको सुने, उससे क्या होगा ना, क्या उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये पहली बात है। उसमें से पता नहीं कौन जाके बड़ा एक्टर बन जाएगा, कौन जाके बड़ा सिंगर बन सकता है, कौन जाके मुझसे ज्यादा मोटिवेटर बन सकता है। लेकिन ये सब बचपन से सिखाया, तो डायरेक्ट जाके नहीं खड़ा होगा, 20 साल में खड़ा हो जाएगा, अभी मोटिवेट कर दे, नहीं भाई अभी तो कभी 20 साल में कभी खड़ा नहीं हो गया, अभी क्या खड़ा होगा मैं, तो ये सिखाओ। पहला खुद को कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख मत लो टेंशन, इतना लोन है बिल्कुल इसे मत लो। पहले मैंने एक बंदे की स्टोरी पढ़ी, विला सिद्धि नाम उसका, उसने जब एग्रीकल्चर किया कॉलेज से, एग्रीकल्चर कॉलेज को साइंस पूरा किया, और उसने गांव में बोला मैं गांव में जॉब नहीं जाऊँ, बाहर नहीं जाऊँगा, इधर ही कुछ करूंगा। ऐसा करते 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 उसने 75 लाख का लोन हो गया, 75 लाख का लोन हो गया उसके। फिर उसने अंगूर की एक नई जाति का खोज निकाला, अंगूर, और पूरे अपने खेत में लगाया अंगूर, और बहुत बड़ा मस्त पीका गया अंगूर का, खेत पूरा भरा, उसको ऑर्डर मिल गया अमेरिका का, उसने पूरा पैकिंग कर दिया सब अमेरिका, 6.5 लाख का, 6.5 करोड़ का सॉरी, अमेरिका में भेजेगा, कुछ 10 साल पहले की बात, 2011 या 2010 की बात है। उसने पूरा पैकिंग किया, शिप में डाला, यहाँ से माल अमेरिका पहुंचा भी, और वहाँ पे ऐसी अफवाह आ गई अमेरिका में कि जो इंडिया से फल आ रहे हैं उसमें कुछ लस दे रहे, वो बुरी बात है, और उससे यहाँ पे कुछ बीमारी हो सकती है। तो वहां पे वो शिप पे खड़ा खड़ा माल ऐसे सड़ गया, कोई उसको हाथ ही लगाया नहीं, 6.5 लाख करोड़ का लॉस हो गया उसको, पहला 75 लाख उसमें 6.5 करोड़ जोड़ दो, 7.25 करोड़ हो गया। हम लोग सोच के नीचे डबके फट जाएंगे, एज उसकी 28-30 एज होगी उसकी, फिर भी उसने हार नहीं मानी, अपने दोस्तों को कलेक्ट किया 10-12 दोस्तों को, और वहां पे जोकर था उसको उसने खरीदा, और वहां पे खेती शुरू की। आज 10 साल के बाद उसके 3000 वर्कर काम कर रहे हैं, 550 करोड़ का उसका टर्नओवर है, सह्याद्री एग्रो काम कर रहे। वो बंदे का नाम है विलास शिंदे, पहले उसका मैंने स्टोरी पढ़ा, मैं खुद इंस्पायर हो गया। हम लोग 1-2 लाख 5 लाख उलट जाते हैं, उसके पास 75 लाख का लॉस, 6.5 करोड़ का लोन, अब उसके पास 550 करोड़ की प्रॉपर्टी कंपनी हो गई है, और 3000 वर्कर काम कर रहे हैं। क्यों हो पाया? उसने हार नहीं मानी, रुक नहीं गया, डर नहीं गया, किसी को दोष नहीं दिया, अरे इसके वजह से हो गया, उसके हम लोग बहुत बोलते हैं इसके वजह से हो गया, किसकी वजह से कुछ नहीं होता है मैडियस, सब मेरी वजह से होता है। ये जिसने सीखा वो लाइफ में सक्सेस होता है। हम लोगों को कभी कभी कोई बोलता है यहाँ पे पैसा डाल दे रहे तेरा डबल मिल जाएगा, जो डालते 1 लाख रुपया डूब जाता है, कुछ यही वही डाल दिया मैंने, तू उसने बोला, लेकिन अकल तो हमको है ना, अकल हमको है, शॉर्ट हमारा था, इस वन डाला क्या, नहीं डबल मिलने वाला था इसलिए डाला, उसको कभी जोश मत दो, क्योंकि जो बातें भगवान को नहीं डली वो हमको डलेगी।
सोने का हिरन होता है, उसे देखा ये भी सीता मैया भूल गया, उसको भूल गई ना, फंस गई ना। चलो सीता मैया फंस गई, ठीक है, प्रभु राम जी ने फंस गए, बांध लेके पीछे भाग गए, सोने का हिरन इसने की देखा नहीं है, मतलब जो भगवान को नहीं प्रॉब्लम उससे नहीं बच पाए, हम लोग तो इंसान है। लेकिन ये मत देखो कि उनका वनवास होगा 14 साल, सीता को ले गया रावण, ये मत देखो। एंड क्या हुआ, रावण की हत्या हो गई, रावण का वध हो गया, राम राज्य आ गया। तो हम लोग को अच्छा देखना है, इसलिए हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। बहुत से प्राण निगेटिव सोचते हैं, निगेटिव कभी सोचना है, ऑलवेज कुछ भी हो जाए इसका हमारे संसार में फायदा होगा, बच्चा तो सीखेगा, लेकिन हम जो फैमिली में रहते हैं उससे फायदा होगा। बी पॉजिटिव ऑलवेज, कुछ भी हो जाए, कुछ भी। सबसे बुरा क्या होता है हमें अपनी लाइफ में, क्या होगा सबसे बुरा आपकी लाइफ में, क्या हो सकता है, कौन सा प्रॉब्लम सबसे बड़ा रहेगा? जैसे कि अभी आपकी सोच से नहीं होता है, लेकिन कौन सा बड़ा प्रॉब्लम बढ़ रहेगा, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है लाइफ का, मेरे लाइफ का, जनरल लाइफ का, आपके लाइफ में नहीं, ये प्रॉब्लम लाइफ का बहुत बड़ा है। यस सर, एक ये जो कि मन मन और लाइफ में कुछ भी करें तो सोचते बिना नहीं कमा सकते। वेरी गुड, ये कभी खत्म ही नहीं होता है। यस, कौन सी प्रॉब्लम लाइफ की बड़ी, बहुत बढ़िया है, ये समस्या बहुत बड़ी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी जान जाना, पैसा भी नहीं मैडियर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी हम ही खत्म हो गए, सवाल नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब तक जिंदा है, जा है तो जा है। मैं तो ये सोचता हूँ, अगर मैं जिंदा हूँ तो मैं कुछ भी कमा सकता हूँ, कुछ भी पा सकता हूँ, जिस दिन मैं खत्म हो गया उस दिन सब खत्म। और जब तक मैं जिंदा हूँ तो मेरे में 5 लाख है, 10 लाख है, 15 नहीं सोच लेगा मुझे, मैं कमाऊंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना तो होगा, छत्रपति शिवाजी औरंगजेब को मिलने गए थे दिल्ली में, उनको आगरा में कैद किया था, 50,000 पठान के वाड़ी में थे, 50,000 उनको घेरे बैठे थे, 50,000 पठानों के घेरे में छत्रपति शिवाजी में, वहां उनको ध्यान कर सकते थे, वहां से निकल के वो वापस महाराष्ट्र आ गए, गए हुए किले वापस उन्होंने जीत लिए, हमारी कहा ध्यान दिया जाए। वो जाके ट्रेन में देखो, एक पैर पहले खड़े थे, मेरे को डर लगता है, वो ऐसा दरवाजा पकड़ते ऊपर और नीचे ऐसा पैर, अरे ये तो सबसे बड़ी बात है ना, क्योंकि क्या मैं गया, आज मैं 1 करोड़ में गया ना, तो मैं 1 करोड़ कमा सकता हूँ, ये बोलता हूँ मैं, लेकिन जान गई वो कहाँ से लौटता मैं, इसलिए कोई याद नहीं मेरे पास, मरे हुए आदमी को वापस करते हम लोग नहीं, तो अगर मेरी जान है बस खत्म, उसके बाद में मेरा कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन जान गया तो खत्म, कुछ नहीं सकता। तो दुनिया में कोई प्रॉब्लम बड़ा नहीं है आपसे। थैंक यू, जब तक आप है हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। बहुत सर, कोई कोई बड़ा पैसे कम होता है, किसी को बच्चा नहीं होता है, बहुत सी शादी हो गई, 10 साल 15 साल बच्चा नहीं हुआ है, ये प्रॉब्लम है, पैसा बहुत है, किसी का पैसा नहीं है, पैसा है तो घर नहीं है, यहाँ घर तो गांव में घर नहीं है, सासू है तकलीफ देती है, किसी के पास सासू ही नहीं है तो बच्चे को संभालेगा, भोगी तो तकलीफ देगी नहीं तो बच्चों को संभालेगा, ये उल्टा तकलीफ। अरे होती तो अच्छी होती, सास आज शायद बच्चों को देखती, मैं कुछ काम करती, और है तो अरे बूढ़ी मरती नहीं, मतलब हर चीज में प्रॉब्लम देखते, हर चीज में ऊंचा है अरे मेरी हाइट लंबी क्यों है, शायद छोटा छोटा है मेरी बड़ी क्यों नहीं है, काला है तो मैं गोरा क्यों नहीं, गोरा है तो मैं काला क्यों नहीं, तो मतलब यह सोच ही मत। मैं ये बोलता हूँ कि दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर प्रॉब्लम अपने दिमाग में है।
हर प्रॉब्लम की उत्पत्ति हमारे दिमाग से होती है, इसलिए तो पैसे की प्रॉब्लम है और बिजनेस की प्रॉब्लम है। 7 साल का बच्चा भी सुसाइड करता है जिसको जिंदगी सुन भी नहीं हुई है, और 70 साल का बुढ़ा भी सुसाइड करता है जो अभी 2 साल के बने जाना ऐसे ही मानने वाला है। बस में 7 साल का बच्चा जिसकी जिंदगी शुरू नहीं हुई वो सुसाइड कर लेता है, और 70 साल का बुढ़ा भी सुसाइड करता है जो 2 साल के बाद खुद ही मरने वाला है। अभी क्या बोलेंगे इसके लिए? छोटे बच्चे क्यों सुसाइड करते हैं? करते ना, 7 साल के बच्चे ने किया है क्यों? मतलब उसको सुसाइड पता ही नहीं सुसाइड करके, वो एज ए गेम खेलने गया मर गया अचानक। वो कहाँ पे देखा उसने सीरियल मूवी में या इधर कहीं रखने का करता दिया, उसको सुसाइड का मीनिंग ही पता नहीं है। झोपड़ी में रहने वाला आदमी भी करता है और बंगले में रहने वाला बुढ़ा सीमा आदमी भी करता है। सुशांत सिंह राजपूत ने कर लिया, मतलब रीजन क्या? पैसा। अगर पैसा नहीं इसलिए करता तो पैसा है वो क्यों करता है? अगर बच्चा करता तो बुढ़ा क्यों करता? जो 2 साल में ऐसे ही मरने वाला है तो बेचारा क्यों सुसाइड कर रहा है? इतना जिंदगी निकाल ली 70 साल की, तो अभी और 2 साल निकाल लेता आराम से। मतलब यही है कि सबकी सोच, सबका निर्माण अपने यहां से होता है। ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। जैसा सोचता है ना वैसा ही बनता है, कैसा ही बनता है। मतलब आप सोचेंगे तो पैसा भी आ जाएगा, बस उतनी शिद्दत से उसको सोचो। आप लोग शिद्दत से नहीं सोचते, बस आप पैसा चाहिए लेकिन उसमें कितना चाहिए? 2 लाख आएगा चलेगा, पतला नहीं, नहीं 2 लाख बस खाता बहुत 2 लाख लेता नहीं है। सब लोग बड़ा सोचते नहीं है और सोचने में शिद्दत ही नहीं है, सोचने में कंट्रोल ही नहीं है। हर दिन नहीं सोचेंगे, एक दिन सोचेंगे, एक दिन सोच के नहीं मिलने वाला है, एक दिन सोच के नहीं मिलने वाला है। पानी की धार गिरती है ना पत्थर को चीर देती है, लेकिन वो कितनी बार गिरती है? एक दिन गिरती नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, कंटिन्यू चालू है वो प्रोसेस। इसने कहा तो पत्थर ज्यादा कठिन है पानी की धार से, लेकिन पानी की धार पत्थर को चीर देती है। इतनी कंटिन्यू हमने सोच है क्या एज अ पेरेंट्स? नहीं है। जितना बार पॉजिटिव सोचेंगे ना उतना अपना बिहेवियर पॉजिटिव होता है, हमारा बर्ताव पॉजिटिव, हमारा रहन सहन पॉजिटिव होता है। बस क्योंकि हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं, जितनी बार निगेटिव सोचेंगे अपना बर्ताव निगेटिव हो जाएगा, हमारा रहन सहन निगेटिव, अपना बात निगेटिव करेंगे, नहीं रे नहीं पूरा, पेमेंट खत्म हो गए रे, ये महीने का राशन नहीं भरा है, अभी ये लाना है वो लाना है, खत्म। अपना रोना सुनाने के लिए किसी की मत जाओ, किसी को टाइम नहीं है और सुनने को मूड भी नहीं है, उसका खुद का रोना सीखने पड़ा हुआ है। वो सोचता है मैं मेरा किसी को और को बताऊं क्या, और आप आ गए उसके पास। मत जाओ, आपको मिलने के बाद आदमी को लगे अरे भाई इसको मिला ना मस्त लगा, बंदा इन बात किसी साथ लेकिन मस्त लगा मुझे आराम से। लेकिन हमको मिलने के बाद लगे यार इसको काहे को मिला मैं, यार इसको नहीं मिला तो अच्छा होता, इसने तो अपना दुखड़ा सुना दिया मुझे, मैं खुद दुखड़ा लेके गई थी उसके पास। आपको मिलने के बाद आदमी को कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, उसका भी और खुद का भी। ऐसा हम लोग को रहना है क्योंकि हमारे घर में जो बच्चा है वो देख रहा है मेरी मम्मी को कितना कॉन्फिडेंस है, मेरे पापा को कितना कॉन्फिडेंस है, उनका बिहेवियर कैसे है, उनकी सोच कैसी है, वो बात कैसे करते हैं, और ये सब खुद कैसे दिन है, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा खुद के साथ बर्ताव कैसा है। लोग क्या सोचते हैं ये मत सोचो, खुद की सोच कैसी है देखो। हम लोग रोज क्या सोचते हैं, ये क्या सोचेगी, वो क्या बोलेगी, जाने दो, क्योंकि लोग तो हर जगह से बोलने वाले। एक कहानी आपने सुनी होगी, एक लड़का उसका माँ बाप जा रहे थे, साथ में गधा था, तो लोग बोलते हैं दोनों जन जा रहे हैं कोई एक तो गधे में बैठ जाओ, तो बेचारा लड़का बैठ जाता है गधे में। थोड़ी देर बाद और एक आदमी मिलता है, अरे कैसा बैठा है तू, बाप भी चला रहा है तू गधे बैठे आराम से, वो बेचारा उतरते बापा को आप बैठ जाइए, लोग मुझे हंस रहे हैं। थोड़ी देर बाद और एक आदमी मिलता है, कैसे बाप है आप, बच्चे को चला रहे आप खुद गधे बैठे, वो अभी क्या करेंगे हम दोनों बैठ के, वो दोनों बैठ जाते और एक मिलता है बोलता है कैसे आदमी लोग तुम दोनों का वेट डाल रहा है गधे पे, बेचारा गधा मर जाएगा ना दब के नीचे, अरे बोलता अभी क्या करेंगे। फिर दोनों उठाए गधे को मिलते लकड़ी को बांधते और गधे को उठाते और एक बीच से नदी नहीं पीछे नदी होती है उसके बीच से जा रहे थे, वो गधा पाव हिलाता जोर से लकड़ी टूट जाती है गधा बेचारा नदी में। दुनिया की सुनो तो ऐसी हाल है, खुद की सुनो, खुद की सोच पे काम करो,
खुद की सोच कैसी ये देखो और अपने सोच के अनुसार अपने बच्चों को बनाओ। लेकिन हमारी सोच अगर निगेटिव है तो बच्चा निगेटिव बनेगा, हमारी सोच डरावनी है तो बच्चा डरावनी बनेगा, हमारी सोच पीछे बैठने की है तो बच्चा पीछे बैठेगा, हमारी सोच पढ़ाई ना करने की है तो बेटा पढ़ाई नहीं करेगा। बोर्ड से पेरेंट्स बोलते हैं सर मैं मेरा बेटा लिखता है लेकिन पढ़ता नहीं है, आपका प्रॉब्लम रहेगा। बोर्ड बोलते सर पढ़ता बहुत है लिखता कुछ भी नहीं है। इसके लिए आप शुरू कर दो। पहले जमाने में हम लोग बच्चों के साथ पढ़ाई के लिए बैठते थे, अभी हम लोग बिठा दे बैठ जा बैठते नहीं साथ में। अभी लगता है हर माओ के पास एक घंटा तो होना चाहिए बच्चे के साथ बैठने के, साथ बैठ जाओ पढ़ाई के लिए। क्या कर रहा है देखो, लिख रहा है कि पढ़ रहा है कि लिख रहा है, एक घंटा तो 24 घंटे में निकाल ही सकते हैं, भले काम पे जाने वाली रहेगी तो भी। और इतना निकाल सकते तो मैं बोलूंगा जन्म मत दो, काल को बेचारे को दुनिया में लाके वाटे एक घंटा देने का। दूसरी बात आएगी हमारा आपस में का बर्ताव, चलो खुद का अच्छा है लेकिन हमारा मियाँ बिया कैसा है, हस्बैंड का कैसा है, ये बहुत काम करता है। मैं लास्ट टाइम बोला था बहुत सारे हस्बैंड अपने बीवियों को बहुत ऐसा एड़ा समझते हैं, तेरे को अकल नहीं है, तेरे को समझता नहीं है, कहाँ से आ गई है तू, यहाँ फटाफट कुछ ही बोलेगी, उसके उसके मैके तक का नाम ले लेंगे, तेरे बाप ने कुछ सिखाया तेरे माँ ने कुछ सिखाया, बस ये बेचारा बच्चा देख रहा है बाजू में खड़ा होके मेरी माँ को अकल नहीं है, हाँ पप्पा मेरे कल बोल रहे थे मम्मी जो अकल नहीं है, पप्पा ने कल ही बोला था मैंने सुना था, दादी को दादी क्या आपको अकल नहीं है, कौन बोला, मेरे पापा बोल रहे थे तेरे माँ के मम्मी को अकल नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। पहले जमाने का ठीक था, अभी का जरूरी नहीं है, बस अभी के बच्चे बहुत शार्प थे तुरंत सीख लेते तो हमारी बर्ताव कैसा है, कभी कोई हस्बैंड गाली गलौज करते नहीं करती है। मैं मेरे सिस्टर के पास गया था मुंबई में, मेरे बुआ की लड़की है रक्षाबंधन का, तो मैं राखी बांध के बाहर निकला, उसका लड़का आ गया दरवाजे, ससुर भी आए तो ससुर मुझे बात चलो आ जाए ऐसे बोल लड़के उसमें क्या बोलते हैं पोता दादाजी को माता रहा एक फाइट मारे दादाजी को बोलता बूढ़े हिंदी बोलते मैं वो मारे बोला माता रहा एक फाइट मारे मतलब बूढ़े एक फाइट मार दूंगा। वो बेचारे कैसे बोला थोड़ा अच्छे में गया था मेरे साथ बोला, मैं वहां से निकल पड़ा, मैंने शाम को मेरे बहन को फोन किया बोला आशु क्या हो तेरा लड़का ऐसे ये बात करता है, सीधा अपने दादाजी को बोलता फाइट मारूंगा, बोलता उसी गलती नहीं है। और फिर क्या हुआ मेरे घर में मेरा पति मेरा देवर अपने औरत के साथ और मेरे दादाजी मेरे ससुर मेरे सासू के साथ ऐसे ही बात करते गाली देके। ये बच्चे घर में क्या सीखेंगे, आठ बच्चे इसके तीन है और बड़े देवर के दो है तो क्या सीखेंगे, ये तो सीखने वाले यही सीखने वाले। बहुत से घर में उल्टा है आदमी ने भी बोलता औरत ही बोलती है तुम्हारा अक्कल नहीं आपको समझता नहीं आपका भाई आपको लूट रहा है आपकी बहन आपको लूट रही है पैसा मांग रही है शुरू कमाने की अक्कल नहीं ये नहीं बहुत कुछ ये बच्चे देख रहे हैं अरे पप्पा का मेरा आकल है ही नहीं है मम्मी बोल रही थी कल। तो ये बात करते वक्त हमको ध्यान रखना है कि हमारा बर्तों से बातों से बच्चा क्या सीख रहा है। चलो हर घर में झगड़ा होता है कोई घर ऐसा नहीं जहाँ पे झगड़ा नहीं होता है, लेकिन वो झगड़े को बच्चों के सामने लाना है कि नहीं लाना इतना कंट्रोल तो हम लोग कर सकते हैं। और लाना भी तो लाते हो भी क्या चाहिए कैसे स्टाइल में लाना है, गाली गलौज के लाना है कि कैसे लाना है ये भी हम लोग सोच सकते हैं, क्योंकि उससे बच्चा प्रभावित हो रहा है वो सोच रहा है वो सीख रहा है। बहुत से घर में मियां बीवी का बिल्कुल नहीं जमता है, इसका बच्चा फायदा उठाना है और कभी कभी पापा के पास कभी मम्मी के पास अपना फायदा निकलता है, उसको पता है अपना फायदा कैसे निकल, अभी के बच्चे बहुत शार्प है वो खुद का फायदा निकाल लेंगे दोनों का झगड़े का खुद फायदा ले लेगा, ये भी नहीं होना चाहिए। ये बच्चों में किया ठीक है बड़ा हो गया किया तो बहुत बुरी बात, कभी कभी आपके झगड़े होते हैं आपके और बच्चों के लिए दरार आ जाती है या बात नहीं होती आपके बच्चे से, ये भी वो डेंजर है। अगर लड़का है तो बाहर जाकर दोस्तों से बात करेगा और दोस्त को सही नहीं सिखाएंगे, लड़की है तो और रिस्की है, लड़की है तो और रिस्की है जो आपसे नहीं बोल पाए हो कहीं बाहर जाके बोलने वाली है, और बाहर का आदमी अच्छा है या बुरा है ये आपको नहीं पता, 90% बुरा ही रहेगा, अगर उसने कुछ मिस यूज कर लिया तो उसका जिम्मेदार कौन। तो ये घर का तनाव घर के में नहीं रहना चाहिए, हमारा बात करने का तरीका ऐसा हो जाए कि उसको लगे कि क्लाइमेट अच्छा है। बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं अभी आपके नहीं जाते होंगे लेकिन जैसे बड़े बच्चे होते हैं वैसे बाहर बोल जाते हैं, तो पाओ घर में उसका टिकता ही नहीं सीधा बाहर भागता है, भागेगा नहीं घर का क्या देखने वाला है झगड़ा,
मेरे पापा मम्मी का झगड़ा, कभी कोई तो मार भी दे से मिस्टर मिसेस को, नहीं यार अभी जमाना गया हो हाथ उठानेगा, अभी उधर पहले जमाने में था, अभी नहीं उठाएगा, उठाना नहीं चाहिए अभी पहले बच्चों। तो ये सब अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमारे घर में जो बच्चे हैं उसको उसका बिहेवियर हो रहा है और वो खुद करने वाला है। बहुत से घरों में हम लोग का दूध रहेगा लड़का लड़की तो 90% काम लड़के को बोलते हैं, लड़कों को बिल्कुल काम नहीं करेंगे, वो हमारे क्या होते हैं मरड़ी में वंश युवा है, हमारी पीढ़ी आगे बढ़ाने वाला है, उसको काम नहीं बनाएगा, लड़की को बहुत काम पे लगाएगा। इससे क्या होता है वो लड़का लाइफ में कभी कुछ काम नहीं करेगा लड़का, और दूसरी बात ये होती है कि वो हमेशा लड़की को तुच्छ समझेगा, ये तेरा काम है बर्तन मानना। हाँ लेकिन ये हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, मैं बहुत से घर में जाता हूँ देखता हूँ मैं, एक समान बोलो उल्टा करो, लड़कों को ज्यादा काम बोल दो, क्या करने में आ रहा उसको बताओ ये करना है, बर्तन मारना भी तेरा काम है, झाड़ू मारना भी तेरा काम है, ऐसा कोई टाने मारा है लड़की करने वाली लड़की, ये तू भी कर सकता है। उससे तीसरा फायदा ये होगा अगर कहीं हो जाके पढ़ाई के लिए कुछ लंबा रहने लगा अलग सिंगल, तो अपने काम वो खुद कर सकता है, ये तो मम्मी मुझे ये नहीं आता है, मम्मी मुझे वो नहीं आता है, मम्मी मुझे सतम, मम्मी यहाँ से क्या क्या भेजेगी उसको, मम्मी यहाँ से टेलीफोन से उसको क्या क्या भेजेगी, फिर हर काम के लिए क्या नौकरानी घर में लगेंगे नहीं। तो ये बच्चों को लगे कि हर काम को भी कर सकता है, घर में समानता चाहिए, अगर कोई भी चीज लाते दोनों को लेके आओ एक को नहीं। बहुत से घर में खाना भी ऐसा होता है पैसा लड़का खाएगा बाद में तेरे को खाना मिलेगा, जरूरी नहीं है भाई, उसको भूख लगी है ना, उसका ही पेट है, तो अगर उसको भूख लगे उसको खाना दे दो पहले, मत रहा देखो लड़का आएगा तो ही खाना मिलेगा, जरूरी नहीं है। इसे समानता घर में आती है, ये हमारे बर्ताव का एक भाग है, और इससे वो भी कुछ सीख जाता है, उसको सीख मिलती है कि भाई मेरी बहन भी मेरे लेवल में ही है, उसको भी सब राइट्स मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा, तो हमारा बर्ताव कैसे है उनके साथ ये बहुत जिम्मेदारी। चौथा आता है हमारा बर्ताव हमारे रिलेटिव के साथ, ये बहुत ताप करता है, तो उसमें देवर आएगा, ननन आ गई, जेठानी आ गई, बहुत आ गई, मौसी आ गई, पति की अपने खुद की, ये हमारा बिहेवियर कैसा है ये भी हमारे बच्चे देखते हैं कि मेरी मम्मी मेरे देवर के साथ कैसे बात करती है, मेरे पापा मेरे भाई के साथ कैसे बात करते हैं। आपका झगड़ा हो सकता है आपस का, मैं ना नहीं बोलूंगा, लेकिन वो कितना उसको बच्चों के सामने दिखाना है ये बहुत जरूरी है। कभी कभी हम हमारे मेहमान के बारे में देवर के बारे में इतनी बुरी बात बोलते हैं कि उसके लिए उसके बेटे के मन में गुना नहीं होना चाहिए, गुस्सा आता है कैसी मेरा बुआ है, मैंने नाश्ते में बोला था एक शादी में गया था इतनी लड़की आई थी हमारी मराठी में, उसको बोलती है आत्या आत्या, मराठी में आत्या बोलते हैं सीधा बोल दिया उसने, तो आत्या भी हक्का बक्का रहेगी मुझे इतना कैसे बोलती है, कुछ की ओवर है कुछ की हमारी मराठी में कुछ की बोलते बुरी, वो बोलती है आत्या को आत्या आत्या तो कुछ की है ना, इतनी लड़की आती उसको भी पता नहीं कुछ की का वर्ड क्या है मीनिंग क्या है करके, उसने बोल दिया तो इसने बोले आते इधर जा, बहुत बोला मेरी मम्मी बोलती है हर बार तेरी आत्या बहुत कुछ की है, बहुत बार तेरे पापा से पैसा मांगते बैठती है, अभी वो चार पाँच पाँच साल ये बोलना सही है गलत है उसको पता नहीं ना, उसने बोल दिया आप सुन लेती हो हर बार घर में, सास के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं, ससुर के बारे में हम लोग का बर्ताव कैसा है, क्योंकि देखो जो बोएंगे वही काटेंगे, आज अगर हम लोग अपने सासों को तकलीफ देंगे हमारे बच्चे वो देख रहे हैं। ऐसे कहानी बताऊं मैं आपको, एक आदमी अपने बूढ़े पापा को रुद्राष्ट्र में भर्ती जा रहा था, तो वो फॉर्म भी भरता है तो मेरे पिताजी रुद्राष्ट्र का नाम नहीं समझ पा रहा हूँ, और साथ में बच्चों ले जाता है लड़के को जो 8-10 साल का होता है उसको ले जाता है, तो फॉर्म भरता है पूरा लड़का बताइए लड़का होता है उस सर को, तो आप मैनेजर समझिए मुझे भी एक फॉर्म दीजिए, अरे बोलता है आपको क्यों भाई आपके पापा ने भर दिया ना, नहीं वो तो उनके पापा का भरना उन्होंने मुझे मेरे पापा का भरना है तो अभी से भर देता हूँ मैं। देखा उसने मेरे पापा मेरे दादाजी को वहाँ डाल रहे तो मैं भी यही डालने वाला हूँ, भाई बाप की आँख खुल जाती है भाई नहीं ये गलती कर रहा हो और अपने बाप को घर लेके आ रहा। तो हमारा हमारे घर में से रिलेशन में बर्ताव कैसा है, दादी से हो दादा से हो सास से हो ससुर से हो ननन से हो बुआ से हो कुछ भी हो वो कैसा है, क्योंकि उससे भी हमारा बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है, अच्छा सीख रहा है तो वेरी गुड, लेकिन अगर गलत सीख रहा है तो ये कल आपके साथ ही करने वाला है, जो बोओगे वही काटोगे, अगर आप बोओगे तो आम ही आएगा, और कड़वा फल पर बोओगे तो कड़ू फल वापस आएगा, फिर बोला अरे सर फल कैसे आ गया आपने लगा था, फिर शायद ऐसा होगा कि आप
आपने तो कुछ भी नहीं किया, आपसे बुरा वो करने करेगा कि बोले यार इतना तो मैंने नहीं किया था, अरे उसने और बड़ा बस में डाल दिया ना थोड़ा सा नमक मिर्च, आपने इतना ही किया था उसने ना मिला और कर दिया आपके साथ। सीखा तो आप ही से है ना, जैसे मैंने कहा पहले स्कूल घर और पहले टीचर मम्मी डैडी, आपसे सीखा है। तो हमारा बर्ताव कैसा, देखो बूढ़ा होने के बाद बूढ़ा और बचपन सेम होता है, आप लोगों ने बचपन से बुढ़ापा और बचपन दोनों सेम होती है, सबके आदत सेम होती है, बात करने की खाने की सब सब। तो अगर उन्होंने हमको बचपन में संभाला है तो बुढ़ा में उनको हमने संभाला, ये हमारा फर्ज है, क्योंकि बचपन में हम लोग जो कुछ किया था वो सब उन्होंने किया है, उन्होंने संभाला है, इसलिए हम लोग बड़े हो गए। तो अभी हमारा फर्ज है कि हमें उसको संभालना है। फिर वो गलती कर रहे हैं, कुछ गिर रहे हैं, कुछ झगड़ा कर रहे हैं, कभी गाली दे रहे हैं, लेकिन अगर वो सब सुनने के बाद उनको हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करोगे अच्छे, तो हमें भी हमारा बच्चा ऐसे ही छूटने वाला है कि हम लोग बूढ़े हो जा रहे हैं। यहाँ पे कोई उम्र भर जवान नहीं रहने वाला है, भगवान ने किसी को ये वरदान नहीं दिया है, हर यहाँ पे बच्चा बैठा हुआ बड़ा और बड़ा बूढ़ा होने वाला है। तो बड़ा होके जो करने वाला है बूढ़ा होके वो मिलने वाला है, जैसी करनी वैसी बननी। तो ये भी हमारा बच्चा सीख रहा है कि मेरे दादा दादी से मेरी मम्मी पापा कैसे बातें करते हैं, सीख रहा है। बहुत घर में देखा मैंने बच्चे ना दादाजी घर में रहते फिर भी मम्मी पापा से चिपक के बैठते, उनके पास जाते ही नहीं है। मैं बहुत घर में गया क्यों दादी जाते नहीं, कहते उनको आदत नहीं है। अरे आदत नहीं लगवाई नहीं आपने, आपने लगवाई नहीं उन दादाजी की आदत, हर बार आप ही लेके घूम रहे उनको, तो उनको आदत नहीं लगी, छोड़ दो उनके पास, आपसे ज्यादा वो चिंता करने वाले हैं। दादा बोलता है मेरा पुनर्जन्म मेरा पोता, तो आप चिंता इतनी नहीं करोगे ना उतनी चिंता अपने बेटे की दादा करने वाला है, छोड़ दो उनके पास। मेरा तो दोनों भी, मेरे दोनों भी लड़की भी लड़का भी एक साल के उनके पास थे, मैं लड़का था 5-6 साल का, उसको सुनने के लिए अंदर बुला दिया बेडरूम में, आता था लेकिन बाद में रोता था, इतना रोते थे हम लोग दुश्मन है, नहीं मुझे दादा के पास जाना है, मुझे बाहर ही जाना है, वो मतलब हम लोग रोता भी इतना क्यों रोता भी, तेरे मम्मी डैडी नहीं बोलते मुझे दादा के पास जाना है, तो उसको बाहर रोक दे। एक साल से, एक साल के बाद दोनों जगह घूम रहे दादी के साथ, गाँव गए गाँव में घूमने हैं, हम लोग घर में है ना उनको फर्क नहीं गिरता है, ऐसा घर में बना के रखो, नहीं तो हमसे चिपक के बैठे, उससे क्या होता है लगाव नहीं होता दादा, और अगर हम किसी पर बैठेगा तो हम काम क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसलिए तो हम अमीर नहीं होते, अमीर नहीं तो अच्छा काम करना पड़ता है ना, कैसे करेंगे मेरा बच्चा मुझे छोड़ता ही नहीं, बोलते मैं सर मेरा बच्चा छोड़ता नहीं है, दादा दादी घर में नहीं तो ठीक है लेकिन होने के बाद भी नहीं छोड़ता है, ये प्रॉब्लम आपकी है उनकी नहीं है, उनको वहां पे छोड़ो उनको आप फ्री करो। तो ये है कि हमारे घर रिलेटिव के बाद हमारा संबंध कैसा है, हमारा बातचीत का तरीका कैसा है, हमारा बोलने की स्टाइल कैसी है, कितने गाली गलौज करके हम लोग बोल रहे हैं, कितना गलत यूज वर्ड यूज कर रहे हैं, तो ये भी देख रहा है। झगड़ा सबके घर में होता है, मैंने बोलूंगा मेरे घर नहीं है, लेकिन वो झगड़े को हमारे बच्चे पर कैसे लाना है कि नहीं लाना है, और लाना है तो कैसे लाना है, और लाने के बाद उसका प्रभाव क्या गिरने वाला है, इसके जिम्मेदार भी हम लोग हैं, कोई और। इसलिए बहुत सारे बच्चे गुस्से हो जाते बचपन में, जिद्दी हो जाते, हट कर दे मुझे चाहिए चाहिए, उनको अगर हमारी कमजोरी पता चल गई ना तो बच्चे वो होशियार है, मम्मी की ये कमजोरी है चलो इससे फायदा होता हो, पप्पा की ये कमजोरी है पप्पा की फायदा हो, बहुत शार्प है आपके बच्चे, फिर वो कमजोरी उठाने के बाद हम लोग सबको हाथ लगाएंगे, इससे अच्छा पहले ही सावध हो जाए, नहीं भाई ये नहीं करना है, नहीं भाई ये नहीं सीखना है, पहला खुद से बर्ताव, बाद में एक दूसरे से बर्ताव, और तीसरा हमारी लड़की से बर्ताव, और चौथा हमारे पड़ोस से बर्ताव, ये बोलता आपका। ये लोग बिल्डिंग में रहते हैं टेंशन नहीं, वो प्लाट ही बन रहे थे, बिल्डिंग वालों का प्लाट चौक कटे बन रहता है, पता नहीं दरवाजे वाले कौन है, लेकिन जो चौल में रहते हैं या चौल जैसे बिल्डिंग में रहता है उनके मतलब भी बहुत मायने रखता है, मतलब बहुत सारे काम हमारे गैर मौजूद में रिलेटिव वाले कर जाते हैं, मतलब हमारे पूरा बचपन चाल में गए, अभी हम लोग चाल में रहते कभी दरवाजा बंद नहीं रहता हमारे घर का, गाँव में जाने के बाद बस छह महीने में बाकी दरवाजा खुला, आओ जाओ घर तुम्हारा। तो हमारा बर्ताव कैसे है आजू बाजू वालों में वो बहुत काम करते हैं, कभी कभार समझो किसी मजबूरी में हम लोग बाहर जाना पड़ा तो हमारे बच्चों को संभाल सकते हैं, लेकिन कल ही झगड़ा हुआ है, परसों इसका झगड़ा हुआ है, इसके साथ तो 2 साल पहले झगड़ा है, कौन देखेगा। तो ये हम देखो छोटी छोटी बात हर जगह होती है, पानी डाला कचरा, झगड़ा क्या होता है वही था, पानी डाला है कचरा डाला है, तू नहीं बोलती मैं बस
तो इससे भी हमारे संस्कार काम करते हैं, तो हमारे बच्चों इससे भी संस्कार सीखते हैं। जैसे एक कहानी है, मैंने लास्ट टाइम बताई होगी आपने, एक बंदा ऑटो में जा रहा था, ऑटो लेके अपना रिक्शा, और पीछे कचरा लड़ रहा रास्ते जा रहा, इतने में सामने से एक बाइक वाला आता है, पूरी गलती बाइक वाली होती है, सामने आता है बेचारा, कैसे वैसे अपने रिक्शा कंट्रोल करता है, एक्सीडेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो बाइक वाला इसको गाली देता है, दिखता नहीं है क्या आता है क्या, ये बहुत कुछ बोलता है बाइक वाला, बोलता ऑटो वाला बोलता है सॉरी सर उससे गलती हो गई, वो बाइक वाला निकल जाता है, जो ऑटो के पीछे बैठा आदमी है उसको बोलता है सर गलती उसकी थी पूरी, फिर उसने गाली गलौज की, आपने सुन ली उसको, आपने बुरा उसने उसने आपको भला बुरा कहा, आपने कुछ भी नहीं बोला, आपने उल्टा सॉरी बोला उसको, ये क्यों? रिक्शा बोलता है उसने वो दिया जो उसके पास था, जो उसको घर से मिला था, जो उसके घर में सिखाया था, गाली गलौज झगड़ा बस, और मैंने वो किया जो मुझे घर से मिला, जो मेरे बबली ने मुझे सिखाया है, जो मेरे घर की धरोहर है, मैंने सॉरी बोल दिया। मतलब तो हमारे पास क्या है ये देखना जरूरी है, गुस्सा है, जीत है, झगड़ा लुपा है, क्या करने का है, चार दिन की जिंदगी है, बस रास्ते मिल गए तो हाय बाय करो, गुजर लो। तो इससे भी हमारा बच्चा सीख लेते हैं, मेरी मम्मी कैसे बात करते हैं बाजू वाले से, मेरे पापा वाले से कैसे बात करते हैं, तो हमारी गैर मौजूदगी में वो हमारे बच्चों को संभाल सकते हैं, और ये हमारी लाइफ का बहुत जरूरी पार्ट है, ये हमारे लिए उनके साथ हमारा बर्तन एक नंबर, छोटे मोटे झगड़े हर घर में हर किस्म के होते हैं, घर बुढ़ तो झगड़ा होना ही है, बर्तन एक दूसरे को आवाज करने वाले, लेकिन वो आवाज कैसे करते कि आवाज ही कर रहे थे, ये जरूरी है, नहीं तो सारा हर दिन आवाज ही कर रहे, नहीं कभी कभार आवाज करे जरूरी है, लेकिन हर बार आवाज ही करते और खुद होके आके आवाज करते तो और गलत है, अरे भाई खुद होके आवाज करते, तो ये देखना है कि हमारा बर्ताव हमारे बच्चे में क्या प्रभाव डाल रहा है, क्या सिखा रहा है, क्या ज्ञान दे रहा है, कौन से संस्कार दे रहे हैं, कौन सी शिक्षा दे रहे हैं, वो क्या ले रहा है, और वो लेने के बाद उसमें बीज फल डाल के और बड़ा करने वाला है, और फिर हम लोग सर को हाथ लगाएंगे। इसलिए मैंने कहा बाद में सर को हाथ लगाने अच्छा है कि अभी सर के अंदर के मेंटली सोचो कि मेरा रहन सहन, मेरा बर्ताव, मेरा खुद का बर्ताव, मेरा कॉन्फिडेंस कैसा है, मेरा घर में हाथ मेरा भी का रिलेशन कैसा है, मेरे जुलूस में कैसा है, मेरी नजर मेरी जीजा जीजाजी कोई भी होगा मैं कैसी बात करती हूँ, भाई भाई का व्यवहार कैसा है, बहन बहन का कैसा है, कभी कभी बहनों बहनों का भी नहीं जमता है, दो बहनें जाओ झगड़ा करती कोई बच्चों के सामने, उसके सामने उसको गाली दी फोन पे, ये सुनता है मेरी मौसी को गाली दी कर माँ ने, क्या करना है। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो आज मैंने आपको बताई, इसको फॉलो करो माय डियर्स, आपसे बच्चों को बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें सीखने को मिलेगी, अगर ये छोटी छोटी बातें भी आप फॉलो करोगे तो आपके बच्चों को बड़ी बड़ी बातें आपको बिना सिखाए सीख जाएंगे, क्योंकि आपका देख रहे हो। फिर पढ़ाई करना ये तो बहुत मामूली बात है, लिखना ये तो बहुत मामूली, मैंने पहले कहा था एक लेवल के बाद आपके मार्क कोई नहीं पूछता है, आपके आगे किसी के मार्क आगे नहीं पूछता होगा, आप कैसे रहती है, कैसे बातें करती है, आपका बर्ताव कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आप उसे बात करते हैं, ये लोग देखते हैं और इससे आपको जज करते हैं, तो हमारे बच्चों का भी यही देखने वाला है आगे जाके, मार्क के नहीं देखने वाले, तो ये हम उनको दे रहे हैं क्या, ये सोचो। और इसीलिए सर ने ये प्रोग्राम अरेंज किया हर महीने का सेमिनार, तो सर के लिए जोरदार तालियां बजाएं उसके लिए, क्योंकि इतना इनिशिएटिव कोई क्लास कोई स्कूल नहीं लेता है, कोई स्कूल आपको इतना तकलीफ नहीं देगा हर महीने का, लेकिन सर दे रहे हैं, मैंने आपको बुला रहे हैं, मुझे ही बुला रहे हैं, उसके लिए मुझे पैसा दे रहे हैं, ऐसे नहीं फ्री में बुला रहे हैं, तो इतना सर क्यों कर रहे हैं, तुमको सिर्फ पढ़ाई वाले बच्चे नहीं चाहिए, उनको आदर्श बच्चे बनाने, कल को अगर बाहर निकले तो ये कौन से स्कूल का है, सर के हाई स्कूल का नाम आना चाहिए, ये स्कूल का बच्चा जा रहा है, तो ये कब पता चलेगा, उसके बर्ताव से पर्सनलिटी नहीं दिखेंगे, रास्ते में अगर कोई चीज गिर रही है तो उसको चीज को कैसे उठाता है ये देख के पता चलता है आदमी का बिहेवियर, और ये हमें देखना है। मैंने लास्ट टाइम एक स्टोरी कही थी, अभी बोलता हूँ मैं, क्योंकि आपके इधर की है, आपके यहाँ से एक गाड़ी आती मेरे गांव में पटना से वास्को गोवा जाती है, तो गाड़ी संडे को हमारे यहाँ मेरे कल्याण में आती है और सवेरे मंडे को सवेरे हमारे गाँव पहुँचती है, तो गाँव में जा रहा था एक बार और मेरे सामने दो फैमिली बैठी थी, मिस्टर मिसेस और लड़का के साथ में, तो इतने में सवेरे 7 बजे गाड़ी पहुंची, मैंने 6 बजे मेरा पैकिंग शुरू किया सामान, सुबह उतरना है मुझे, और उन्होंने शायद गांव में फोन लगाया हस्बैंड ने, और पहले पापा से बात की, बाद में मम्मी से बात करने दिए, माँ जी से,
और इतने करे थे अपने मिसेस को फोन दिया, ले माँ बात करती है, तो मिसेस बाजू में बैठती, उसने तुरंत घूंघट ले लिया। उसे दिखता है कि इतना लंबा ससुर में तो वहां पे थी, पटना के आस पास की रहेगी, और ये तो गोवा के पास था, 1000 किलोमीटर डिस्टेंस था। और उसे दिख रहा है क्या? मैं बोला इसको बोलते संस्कार। सामने तो कोई भी अच्छा बर्ताव कर लेता है, लेकिन हमारे पीछे हमारा लड़का कैसे बर्ताव कर रहा है ये हमें सिखाना है। और ये तभी सीखेगा अगर हम ऐसा हो करेंगे, तो हमें उनको अच्छा बताना कि हमारे पीछे भी जावे तो हमारा नाम निकले। अरे भाई इसका लड़का है क्या? अरे मस्त है क्या? अरे इसका लड़का है क्या? अरे भाई ऐसा नहीं, दोनों वर्ड एक ही है लेकिन दोनों का मीनिंग बदल जाए। इसके लिए हमें हर महीना मिलना है, हर महीना एक अलग अलग टॉपिक बात करनी है, और हर महीना अगर आपके कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो आप लेके आइए कि सर मुझे ये पूछना है। अगर पूछने में थोड़ी दिक्कत होती है तो लिख के लेके आइए, और पहले मैडम के दिए, फिर मैडम मुझ तक पहुँचाएगी, तो मैं वो सवाल को जल्द होगा ये प्रॉब्लम इसको कैसे सॉल्व करनी है। फिर हम लोग 1-2 में शायद अगले महीने हम लोग 1-2 मिलेंगे जनवरी में, आप और बस कोई और नहीं। क्यों? कभी कभी हमारा प्रॉब्लम सबके सामने नहीं बोल पाते, कैसे बोलेंगे घर का प्रॉब्लम, तो इसलिए हम लोग साथ में बैठेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगी तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, शायद कुछ रिजल्ट भी निकल आए, हम लोग कोशिश करेंगे निकल आने के लिए। ओके, अच्छा लगा जरूर, अगले महीने आएंगे। बस एक रिक्वेस्ट है थोड़ी सी, जब टाइम पे आइए। क्या होता है ना, क्या फिर टाइम पे आते ना वो ऐसा गुस्से देखते, फिर चालू क्यों नहीं कर रहे, चालू क्यों नहीं कर रहे। अभी मैं बाहर जाता तो मेरे को देखते सर चालू क्यों नहीं कर, सर तो आए हुए, मैं अकेले सामने बैठ गया था वहां पे, क्योंकि मैं तो आ गया भाई। तो थोड़ा टाइम पे आइए, 5-10 मिनट आगे पीछे ठीक है, लेकिन 15 मिनट जो दूसरा क्या होता है, जो पहले बोला जाता है वो आपको समझ नहीं आता है, क्योंकि एक लेवल तक आप राह देखते हैं, चलो भाई 15 मिनट ठीक है, लेकिन ज्यादा राह देखना, क्योंकि जो पहला आता है उसका प्लानिंग होता है कि मैं आऊंगा सुनूंगा और कहीं दूसरी जगह जाऊंगा। अगर उसका उतना लेट शुरू हुआ तो लेट खत्म होगा, फिर उसका प्लानिंग डिस्टर्ब हो गया। तो इसलिए सब लोग 12 बजे आएंगे, 12 से 12:15 बजे ओके, तो 12:15 से 1:15 बजे आप लोग खत्म। एक ही घंटा देना अपने को, 2-3 घंटा नहीं देना है, लेकिन एक घंटे में हम लोग को वो सिर्फ सुनना है जो अगले लाइफ में आपको बच्चों को देना है। ओके, थैंक यू, सबका शुक्रिया। नहीं एक्चुअली जो है ना, ये ध्यान दीजिए आप साहब, हमने जो है ना दो पार्ट में बच्चे को बांटे थे, ध्यान से सुने, दो पार्ट में बच्चे जितने भी बच्चे हैं ना उन बेस पे दो पार्ट में थे, नर्सरी जूनियर थे और सीनियर थे, इनके पेरेंट्स का 12 से 1 मीटिंग थी, और जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है उसका 1 से 2 दिए थे, 1 से 2 दिए, लेकिन नर्सरी जूनियर थे और सीनियर थे तो पेरेंट्स आए नहीं, 3-4 ही पेरेंट्स आए, समझ रहे? तो इसलिए 12:30 बजे चालू हुए, आप सब जो है टाइम पे आए, समझ रहे? तो अभी दोबारा अरेंजमेंट करना पॉसिबल नहीं, समझे? फिर अभी फिर से सर ना। अभी इसलिए ध्यान दीजिए, हमने जो है अभी सबका नाम लिए हैं, और सबका जो है नाम सब नोट डाउन कर रहे हैं, और बाकी जो पेरेंट्स नहीं आए वो अगले वीक में हम सबको बुलाते ऑफिस में, उससे पूछेंगे आप आना चाहते हैं तो ठीक, नहीं आना चाहते तो आप ना बोलो, क्योंकि आपके लिए सीट खाली नहीं रही है, हम दूसरे पेरेंट्स को वहाँ पे आने देंगे, समझ रहे? ये जो है हमने हर पेरेंट्स जो सब नहीं आए उनको ऑफिस में बुलाते हम अभी आवाज डिस्टर्बेंस ये होते आप बीच में आए, आपको बहुत कुछ पता ही नहीं, और दूसरी रीजन है आपकी गलती नहीं, क्योंकि मैंने आपको ये बजट दे दिया, लेकिन ये गलती जो है उनके है, मैं सोचा है 1 से 2 12 से 1 उसका हो जाएगा तब तक पेरेंट्स को, और फिर जो है 1 से 2 दूसरे का मुझे। तो आप सब ये बताइए ये जो मैं चालू कर रहा हूँ ये सही है या गलत? सही है। सच बताइए सही है या गलत? आप बताइए, मम्मी पापा को भी चाहिए कि वो ये जब मम्मी पापा शिक्षित रहेंगे, सबसे रहेंगे, संस्कार से रहेंगे तो बच्चे भी होंगे, सही है। बच्चे लोग को भी समझ आएगा।
अभी ध्यान दीजिए, बता रहा हूँ सर का जो है अपने स्कूल में 6 लेक्चर होते हैं, और दूसरा फ्राइडे होता है, सेकंड फ्राइडे और फोर्थ फ्राइडे। सेकंड फ्राइडे जो है 2 घंटे होते हैं, उसमें 1 घंटे नर्सरी जूनियर के जो सीनियर के जो बच्चे होते हैं। फिर नेक्स्ट जो 1 आवर्स होते हैं उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बच्चे होते हैं। और सैटरडे जो है सेकंड सैटरडे सेम टू सेम नर्सरी जूनियर के जो सीनियर के जो पेरेंट्स पर आता है 12 से 1, और फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है वो 1 से 2 रहते पेरेंट्स। मीन्स जो फ्राइडे बच्चे को बताते हैं वही जो है सैटरडे सर भी सर तो फिर मालूम चल रहा था बच्चे के साथ, तो उस बेस पे पेरेंट्स से भी सर बात करते हैं। तो ऐसा हमारा अरेंजमेंट है, ऐसा दोपहर के बच्चे सुबह के बच्चे में भी है। मीन्स फोर्थ फ्राइडे जो है वो बच्चे के लिए, मीन्स जिसमें 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th के स्टूडेंट हैं, और फोर्थ सैटरडे जो है वो पेरेंट्स का है, तो 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th के पेरेंट्स होते हैं। तो ऐसे 4 लेक्चर उसके लिए है, फिर 1 लेक्चर हमारे स्टाफ के लिए रहते हैं, 1 लेक्चर हम खुद भी लेते हैं। हमारी जो गलतियाँ हैं वो आप मुझे बताइए, उसको हम खुद देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जो भी हमारे से मिस्टेक होते हैं गलतियाँ होती है वो हम उनसे पूछते हैं और फिर हम उसे सुधारते हैं। तो ऐसे उसका 6 लेक्चर हर महीने यहाँ पे होते हैं, और सर तो जो है इस पर रिगार्डिंग जो हमारा अमाउंट है वो हम उससे पैसे लें, ऐसे वो नहीं। लेकिन बहुत पेरेंट्स नहीं आ रहे तो इसलिए हम मंडे से वो जो सब नहीं आए उसे बुला के हम बोल रहे मतलब नहीं आ रहे तो हम नाम दीजिए, ऐसा तो मेरा भी एक साथ देंगे, बाद में आपको एक कंप्लेन मुझे कर सकते हैं या आपके बच्चे तो ये प्रॉब्लम है ये है वैसा है, तो मुझे नहीं। तो हम जो है यहाँ पे स्कूल में हम ये सोच रहे हैं यहाँ पे वो हो जो जरूरी है, ऐसा टाइम पास नहीं हमारे पास, थोड़े ही बच्चे पढ़े इनमें कोई संदेह नहीं, बस जो भी पढ़ रहे वो बच्चे जीवन में भरा हो इसी सोच से हम चल रहे। सबको सिखा रहे हर बच्चे को, बताए ना हर बच्चे को भी समझा रहे, इवन हमें भी समझा रहे, समझ रहे हमें भी नहीं। हमारे पास होता है बच्चे पढ़ने नहीं रहेंगे, जैसे फ्राइडे हो गए बच्चे पढ़ने नहीं तो उसको पता ही नहीं, तो ये अरे 1 साल नर्सरी से फोर्थ तक पेरेंट्स जाते हैं तो यहाँ पे जगह नहीं है, समझ रहे तो आ नहीं रहे, इसलिए तो हम अभी जो है सबका साइन लिए, जो सब नहीं आए हैं मंडे से उसको ऑफिस में बुलाएंगे, ऑफिस में पूछेंगे अब क्यों नहीं आ रहे, नहीं हम ऑफिस में बुलाए, ऑफिस में बुलाते हम पेरेंट्स से पूछने वाले अब क्यों नहीं आ रहे, और आगे से आना है या नहीं वो मुझे बता, नहीं आना तो मत, तो हमें फिर मालूम चलेंगे हमारे पास 20 या 25 पेरेंट्स हैं तो हम उसका टाइम दे देंगे, समझ। अभी क्या है नर्सरी में है 9 बच्चे, जूनियर के लिए में है 12-13 बच्चे, सीनियर में 18 बच्चे, तो उसी के पेरेंट्स 30-40 हो जाते हैं, फिर फर्स्ट से फोर्थ तक में बच्चे 40-45 बच्चे, तो वो तो एक साथ नहीं आ रहे, समझ। इसलिए हमने 2 टाइम इसलिए पेरेंट्स नहीं आए तो हम इस पर भी ध्यान दें, समझ। तो आपसे बताए ये जो हमारे भी पेरेंट्स सही है गलत सही हुए ये होना चाहिए नहीं, समझ। तो अभी मैं आप सबसे एक मेरा रिक्वेस्ट था, मैं चाहता हूँ देखते अभी जो है अपने स्कूल को एक बड़ा करना, तो मैं चाहता आप सब जितने पेरेंट्स हैं वैसे तो हर पेरेंट्स हमें सपोर्ट दे रहे हर तरह से, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, अगर कोई पेरेंट्स चाहे स्टूडेंट चाहते एडमिशन लें तो सही बात है। हमने जो है देखते जो आप बोले थे उनसे ज़्यादा हम ट्राई करते ये हो, साथ में जो है हमने ये पेंटिंग का भी काम चालू कर दिया जो आप देखते आप सब, और नेक्स्ट टाइम आप इसी क्लास में तो पूरा दीवार पे पेंट हुआ रहेगा, समझ। जो पीछे काम चालू मीन्स पूरा पढ़ाई का जैसे डिफरेंट डिफरेंट हर क्लास जो बनना चालू है, इसके साथ साथ
जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे यानी नेक्स्ट मंथ, अभी तो जनवरी में रहेगा, तो जनवरी में आपको एक चीज और मिल जाएगा जो अभी तक कुछ कमी था, एक क्लासरूम सेपरेट हम कंप्यूटर क्लासरूम बना रहे, उसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ही रहेगा जो जनवरी तक बन जाएंगे, अभी उसमें था लेकिन उस पर अभी हम सेपरेट दे रहे हैं, एक क्लासरूम सिर्फ कंप्यूटर लाई रहेंगे, एक बोर्ड रहेंगे और पूरे दीवार पे एक कंप्यूटर का सीपीयू मॉनिटर ये सब डिजाइन बनाया रहेगा, तो बच्चे जो है वहाँ पे पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है मैंने एक चीज और सोचा है, अभी जो मैं देख रहा हूँ बहुत पेरेंट्स को अभी प्रश्न होते थे मेरे बच्चे पढ़ाते ना सोचे, कुछ ऐसे पेरेंट्स पढ़ा देते, तो हम ये सोच रहे हैं नेक्स्ट ईयर जो है कराटे जितने भी स्पोर्ट्स है वो फीस में से निकाल दे, और स्पोर्ट्स स्कूल में होंगे रोज होंगे जो शाम को 6 बजे से 8 बजे तक होंगे और हर डे डिफरेंट रहेगा, और सिर्फ स्कूल से ही बच्चे जो चाहेंगे हम आए वो आ सकते, इनमें क्या होगा जैसे कबड्डी रेंजर, खो-खो रेंजर, क्रिकेट रेंजर, बैडमिंटन रेंजर, टेनिस रेंजर, हर तरह से रेंजर, और जो बच्चे चाहते वो 2 घंटे आए, और सिर्फ स्कूल के बच्चे, बाहरी बच्चे तो अलाउ नहीं होगा, यहाँ पे सर होंगे, हम होंगे जो ट्रेनिंग देने वाले होंगे, टाइमिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा तो, सर 1 बजे का टाइमिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, इवनिंग में अभी हाइट का दो रही है, अभी मॉर्निंग में स्कूल रहता है, और यहाँ पे जो है हम इसको पूरी तरह से बनवा रहे हैं, और इवनिंग में धूप नहीं रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आराम से बच्चे लोग जो है ये लग सकते हैं, और सबसे मेरा जो मेन उद्देश्य, अभी एक साथ लेते तो बीच में पता चलते कभी सर नहीं, कोई एक बच्चे बैठ जाते तो बाकी बच्चे बोलता मैं भी नहीं जाऊँगा, या डिफरेंट डिफरेंट, उसमें कोई बच्चे टैलेंटेड नहीं हो रहे, तो हम सोच रहे जो बच्चे स्पोर्ट्स में भी टैलेंटेड होना चाह रहे हैं तो उसको हम रोज जो है ना 6 से 8 कंटिन्यू कर, जब 6 से 8 रोज रहेगा तो बच्चे पता चलेगा बैडमिंटन में बहुत तेज हो जाएगा, फुटबॉल में भी अच्छे हो जाएंगे, और फिर समय आया तो हम नेशनल लेवल पे उसको प्रेजेंट भी करें, तो ये जो है हम सोच रहे हैं, तो ये आप सबको क्या लगता है सही है, क्योंकि साथ में स्पोर्ट्स ले रहे वो नहीं रहे बच्चे का सिर्फ टाइम जा, वो यानी अपने जीवन में उसमें चैंपियन नहीं हो रहे, और हम चाहते हैं हमारे बच्चे जिस फील्ड में हो चैंपियन हो, उसको वो सब आए, और इससे दूसरा बेनिफिट ये आप सबका जो फीस में है वो भी फीस में कमी हो जाए, नेक्स्ट ईयर से फीस भी कम हो जाए, यानी जो बच्चे चाहेंगे उसी को फीस भरना है, जो नहीं चाहेंगे उसको नहीं भरना, समझ रहे, और जो चाहेंगे फिर वो जीवन में बड़ा बनना चाहते बने, और उस टाइम में हमारे स्टाफ रहेंगे, हम खुद भी रह सकते हैं, स्कूल पे नहीं रहेंगे, टेंशन आराम से बच्चे लोग बड़े होंगे उस पे हम सोचेंगे, बाहर बाहर से जो स्पोर्ट्स वाले चैंपियंस हैं उन सबको बुलाएंगे, वो मोटिवेट करें, उनके सामने स्टेज बनेंगे, स्टेज पे पूरा स्पीकर सिस्टम रहेगा, सब आराम से करेंगे, तो ये हम सोच रहे नेक्स्ट ईयर से प्रोग्राम, तो ये सही है गलत, फिर जो पानी का समय आएंगे तो पानी में प्रॉब्लम आते हमारा स्पोर्ट्स बंद ना हो, इसलिए हम जो है आने वाले समय में यहाँ पे पाइप वहाँ पे का ऊपर में जो है ना बड़े वाला यानी जो है चदरा या कोची हम डलवा देंगे जिससे पानी कैसे यानी हमारा स्टॉप ना, तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप सब अगर सपोर्ट करेंगे और भी बच्चे आते हैं तो बस मुझे इजी पड़ेगा, क्योंकि स्कूल छोटा है और हम बहुत कुछ करते हैं, ये आप सब देखिए, और इससे मुझे उम्मीद है आप सब बच्चे लोग का जीवन जरूर है बड़ा हो, और मैं देख रहा हूँ जितने भी अपने स्टूडेंट में बच्चे हैं भविष्य दो बच्चे छोटे बात सब बच्चे अच्छा है, और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे जो स्कूल के बच्चे हैं उसको कोई बोले आप यहाँ से जाओ तो कोई बच्चे दिल से नहीं जा, ये सबसे अच्छा मुझे लगता है, भले पेरेंट्स जो सोचे लेकिन कोई भी बच्चे दिल से यहाँ से जाना नहीं चाहते, उस पर इतना पढ़ाई से लगवा भी होता है, पढ़ते भी है, ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं पढ़ते, साथ में हमने बीच में असाइनमेंट सिस्टम कर दिया है जो असाइनमेंट में बच्चे बाहर नहीं जा रहे,
अभी बच्चे तो बाहर नहीं जाते होंगे, घर पे बनाते होंगे, बना रहे हैं ना? अभी बच्चे बाहर नहीं जाते होंगे इधर उधर, जो हम असाइनमेंट, मेरा मेन उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे बाहर ना जाए, गलत सोच में ना जाए, वो अपने घर पे रहे, पढ़े और याद करे जो नहीं आते छूटे, और जब बाहर जाना छूट जाएगा तो फिर पढ़ाई करेगा। ऐसा तो हम जो है हम भी खुद सोच रहे, रोज सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को कैसे आगे ले रहे। तो मैं चाहता हूँ आप जितने पेरेंट्स हैं प्लीज ये ध्यान में रखते, अगर लगता है कि सर सही बोल रहे हैं और सर जो बोल रहे हैं वो हमें दे रहा है या सही दे रहे हैं, तो आपके साथ दे समझ, फिर जो है इसको और बड़े हो गए। अभी हम लोग एजुकेशनली ट्रिप ले जा रहे हैं, आप सबको मालूम है नेहरू साइंस सेंटर हम ले जा रहे हैं, नेहरू प्लेटोरियम, नेहरू साइंस एग्जीबिशन, एग्जीबिशन आते हैं और आरबीएम म्यूजियम, ये जगह ऐसा है जहाँ पे दूसरे देश से लोग आते हैं, शायद आप सबसे बच्चे जाएंगे आने के बाद पूछना, दूसरे देश से आदमी आते हैं देखने के लिए, सीखने के लिए, सीखने के लिए आते हैं, और वहाँ पे हम ले जाते हैं तो हमारे बच्चे भी सीखते। लेकिन इसलिए हमें प्रॉब्लम है, बातें स्कूल ये सब नहीं ध्यान दे रहे, तो बच्चे तो लगता मैं भी जाऊँ बस पानी में, मैं भी पार्क में जाऊँ, लेकिन हम ये सोच बदल, तो हर बच्चे जो है तुरंत बदले ये नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता आप सब सपोर्ट करेंगे तो जरूर बच्चे बदले, और बच्चे बदला तो आपका भविष्य बदलेगा, मेरा भी भविष्य बदले, मेरे बच्चे जहाँ भी जाएंगे इतना तो जरूर बोलेंगे साथ में। तो मैं इतना ही सिर्फ आप सबको बताना चाहता हूँ, तो ये महीने 31 पर जो भी एडमिशन ले रहे उसको डोनेशन 1 रुपए नहीं लेगा, लेकिन नेक्स्ट महीने से डोनेशन जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे उसे डोनेशन, अगर अभी जो ये महीने लास्ट तक ले रहे उसके लिए कोई डोनेशन नहीं है, और उसके लिए फीस भी यही रहेगी ऐसा, और आप सब जितने पेरेंट्स हैं फीस में भी बढ़ाया नहीं जाएगा, जो फीस आप ये साल भरे हैं जो स्टैंडर्ड नेक्स्ट ईयर में जो जाएगा, जो फीस ये साल है वही फीस लेगा, फीस में कुछ बढ़ाई नहीं, जो है वैसा ही है, सिर्फ जो है फैसिलिटीज आपको बढ़ेगा, सुविधा बढ़ेगा, जो हम बोले वो आपको मिल रहे, ऐसा नहीं सुना समझे, साथ में क्लासरूम भी पीछे हुआ है, अभी उसमें अनाथ आश्रम सिस्टम है, अगर अनाथ बच्चे आते तो हम अनाथ बच्चे को भी, अगर आप सबके आसपास में कोई अनाथ बच्चे हो तो प्लीज बताइए, उसका पूरा रहना खाना पीना पढ़ना लिखना कपड़ा लत्ता सब हम दे, जो भी अनाथ हो, तो ऐसा ये मत सोचिए कि कोई है तो सर नहीं, नहीं हम कर रहे हैं और हमें करना है, तो इसलिए कोई भी आपके आस पास में ऐसा हो जो अनाथ बच्चे को प्लीज बताए समझे, क्योंकि हर एक को बुद्धि होना चाहिए, हर बच्चे आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए हम जो है एक काम कर रहे हैं, हमें पैसे ही सिर्फ नहीं कमाना है, हम चाहते हैं कुछ अच्छा करें तो हमारे स्टूडेंट भी है और जीवन में अच्छे बने, तो कुछ गलत बोल रहे हैं या कुछ गलत सोच रहा हूँ, और आप सबको कुछ ऐसा फीडबैक हो तो आप मुझे स्कूल में क्लास और क्लास स्कूल में लाऊ वो बताइए, नहीं ऐसा कुछ है तो बताए, वैसे तो हम बहुत सारे चीज